किस्मत में जो लिखा है वही होगा, और बस एक ही चीज चाहा था कि जाते जाते चेहरे पे बस एक स्माइल रहे और वो स्माइल कभी जाए ही ना। तो अभी फिलहाल आई एम स्माइलिंग एंड आई होप इट विल स्टे फॉरएवर। फैन, आई एम योर डाई हार्ट फैन। मतलब मैं आपको जब बिग बॉस के स्टेज में पहली बार देखा था ना, तभी से आपके आपके प्यार में गिर गई थी मैं। और आपको एक चीज पता है? हाँ, मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तो yes. आप तो इसलिए जितना आप मेरे फैन हो, मैं भी आपकी उतनी ही बड़ी फैन हूँ। और आपके एविक्शन के बाद भी मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया है, क्योंकि आपके बिना मजा ही नहीं आता। आई विश कि मैं वापस से जा पाती, और आई विश कि आपको फिर से बिग बॉस देखने का मन करता। बिल्ली ने ही आज वो एनिमेटेड वीडियो बनाई थी और बिल्ली ने ही नाम रखी थी फिरोजा के फरिश्ते। यस, मैंने आपके लिए वो एडिट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो आप पोस्ट करेंगी तो। रियली? मैंने प्यार से बनाया है। So sweet of you. Definitely. तुम्हारा नाम क्या है इंस्टा पे? खानजादी टीम खानजादी ऑफिशियल, वो श्रद्धा और मीतू तुम लोगों का है ना? आईडी का नाम है जादू की झप्पी। और जादू की झप्पी मैंने देखा तो था, जादू की झप्पी वही मेरी आईडी है। टीम खानजादी ऑफिशियल में आई थिंक देखा था मैंने जादू की झप्पी। हेलो अजान, तुम बात कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खानजादी। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, बट मैं सिर्फ एक ही स्पेशल बात करने आया हूँ आपसे कि आपका और अंकिता का जो बॉन्ड था ना खानजादी, वो बहुत अच्छा, तो हमें देखकर इतना अच्छा लगा। मतलब घर में कहते ना सच्ची दोस्ती, बस एक ही हमने देखी और आपके जाने के बाद अभी एक बार ही ट्राई करना आप बनाया बिग बॉस में तो बना दिया। अच्छा, खानजादी बना के नहीं खिलाया, देखा रेसिपी? हाँ। रेसिपी भी नहीं बताया उन्होंने स्टिल, पर पीठा नहीं खिलाया मुझे, किसी ने भी पीठा नहीं खिलाया मुझे बिग बॉस में। कोई नहीं, आप बाहर बुला के उनको खिलाना। डेफिनेटली एक पीठा का ही पार्टी रखूंगी मैं, और बहुत सारे वेराइटीज है ना पीठा के हमारे, एक पीठा तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक तो पार्टी तो बनता है पीठा के नाम। पहले तो अकेली पीठा हो जाए रोजादी। डेफिनेटली, नहीं तो अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, नाम होगा पीठा टेकेली पीठा। और खानजादी मुझे ये बोलना है कि मेरे को भी अब मैं अगर मैं एक्चुअली आई वाज सपोर्टिंग एंड आई वाज शिपिंग आपको और अंकिता की फ्रेंडशिप को, क्योंकि मुझे नहीं और ऐसी फ्रेंडशिप बिग बॉस में अब तक नजर आ रही जो यू नो अनकंडीशनल, मुझे नहीं लग रहा यहाँ सारा गिव एंड टेक ही है बिग बॉस में। तो जो आपका और अंकिता का था, आई जेन्युइनली एडोर्ड दैट बॉन्ड, और आई was really hoping कि आपको बिग बॉस के अंदर रहते रहते आपको पता लगता कि ऑडियंस आपको कितना बाहर सपोर्ट कर रही है, तो शायद आप जितना डीमोटिवेटेड हो गए थे आप वैसा नहीं होते, क्योंकि बहुत ऑडियंस ने आपको सपोर्ट किया है बाहर, और शायद वो कम्युनिकेट नहीं हुआ किसी के थ्रू अंदर, लेकिन यू वर रियली बींग लव्ड आउटसाइड। या मुझे भी बिल्कुल सरप्राइजिंग लगा बिल्कुल। एंड ऑल्सो मैं बोलना चाहती हूँ कि अंकिता जी और मेरा जो बॉन्ड था ये बहुत ही प्योर था और बहुत सच्चा वाला बॉन्ड था, क्योंकि हम लोगों ने जो भी किया मतलब दिल से किया, यू नो, और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे। मतलब हमारी जो एक लिमिटेशन है कि इससे बाहर हमको नहीं जाना है, यू नो, तो वो समझ हम दोनों में बहुत अच्छे से हम दोनों के अंदर थे, और विकी भाई से भी काफी अटैच थी मैं, सिर्फ वही दो थे जो मुझे संभाल रहे थे उस घर में जब मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था।
थैंक यू विंसी। सारा आप बात कर लो। सारा पाकिस्तान से है, वो बहुत बड़ा। रोजा दी इतने लोग है ना आपको बात करने के, कितने दिन पहले, आप तो अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। एकदम एकदम, I'm so sorry for being late, पर कोई नहीं, अभी लेट आए तो देर तक रहेंगे। हाँ अभी लेट आए तो देर तक रहेंगे, थोड़ी सब बात करेंगे। सारा बात कर लो। हेलो फिरोजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, और अभी तो आपके साथ बात हो रही है तो फिर तो बिल्कुल ठीक ठाक। सो क्यूट। और मुझे ये बताना था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में आपके इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं। मैं तो कहती हूँ मोस्टली लोग जो है खानजादी को ही सपोर्ट करते हैं। और देखना, हमने मुनावर के लिए स्टार्ट किया था, बट देन वी एंड अप बीइंग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। बिल्कुल, और प्लस मुझे ये भी कहना था कि जब भी हम मतलब देखते थे, शो देखते थे, तो जब भी हम आपका मतलब आपका जितना भी परफॉर्मेंस होता था हम देखते थे, और मतलब हम कुछ और ही फील करते थे, बट जब आपको वीकेंड का वार पे फीडबैक दिया जाता था तो फिर उससे हम बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि क्यों इसको नहीं बताया जा रहा, क्यों इसको मतलब सच्चाई नहीं बताई जा रही, किसको तो बिग बॉस में भेजो कि कोई तो इसको बता दे, बट कोई भी नहीं। तो मतलब मुझे ये पूछना था कि बाहर आके आपको किस तरह फील हुआ, हम सबका प्यार देख के, हम सबका सपोर्ट देख के, और जिस तरीके से आपको सबने अंडरस्टैंड किया, जब आप रो रही थी हम रो रहे थे, जब आप हंसती थी तो हम हंसते थे, प्लस हम अभिजादी को भी मतलब शिप करते थे। सो क्यूट। सो मुझे नहीं पता था कि लोग इतना कनेक्ट करेंगे, मतलब मेरे इमोशंस जो थे जब मैं हंसती थी तो मेरे साथ सब लोग, आप सब लोग हंसते थे, मैं रोती थी तो आप सब लोग रोते थे, जैसे आपने कहा। ये मैंने वहाँ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मतलब सेल्फ डाउट था कि शायद यू नो गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा से एक माइंडसेट लेके चल रही हूँ कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो मुझे भरोसा था कि यू नो जो सच है वो कभी छुपेगा नहीं, चाहे लोग जितना भी उसको झुटला दे, पर सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा, और मुझे नहीं पता था कि बाहर ऑलरेडी सच आ चुका है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। प्लस हम को झुटला दे, पर सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा, और मुझे नहीं पता था कि बाहर ऑलरेडी सच आ चुका है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। प्लस हम